राबड़ीवास गांव भाई जी पहली पानी कावणो लावता ने अबार काई व्यवस्था पानी ठेटू टू लाता आंतरू नजदीक हूं रात्रि 10 बजे आन 12 बजे आन पानी लेना आता एन अबे ओ टांको बणिया बता तो पानी पिया मीठो पानी टांको कौन खुदवायो टांको फैक्ट्री वाला अब मुझे सीमेंट फाउंडेशन दुखो अनु तो दुखो पहले तो पानी लावता ठेर माता पर मोटा मोटा दोगड़ लावता कणी रात्रि 10 बजे निवड़ता कणी 12 बजे होता डंडा धाव टाबर टुबरा नो करण फसे जगो होता अब बरसात रो पानी पहलो रे हां बरसात रो बढ़िया मीठो पानी हां मीठो पानी दूध रे जेड़ो अब हो रहा हो खेत में जाए ने फाचा आवता ने पानी 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 लावणो पड़तो पानी नान करने पीउने खाउने सब पानी खारो खारो पानी ओदन उठू लाओ तो मीठो अब जो को बटन दाबणो री जरूरत है अबे जो मा बटन दाबणो री जरूरत है लाइट रे जने बटन नी रे जने पापी जी काडे जो पानी हां पानी हिसला टांका मु मीठो पानी कुल मिलाने अबे बढ़िया रजियो खारा पानी गोडे घणा दुख तो अबे मीठो पानी पिया पार्लर अलबत फरक है अबे गोडे नी दुखे कम दुखे कम गोडा कम दुखे पार्लर पानी से आबो मीठो तो मीठो ही रे भाई मीठो तो मीठो ही जे खारो तो खारो ही जे शक्कर ने कान तो मीठो कौन देखो तो ओ तो मीठो भगवान रो बरसी बरियोड़ ऊपर ए भाई जी पूरा छत्रो ही जे हां छत्रो ही जे ए बीन देख लो सा नहीं मैं पियो मीठो पानी अमृत पानी है बढ़िया पानी है छत्रो ही पानी मा तो 12 महीना पानी भरला जो छत्रो जुगाड़ करी लो साहब भाई जी काई नाम है आपरो मा नाम फरफुली है सा पपुली भाई ए गांव क्यों आपरो गांव तो राबड़ीवास राबड़ीवास गांव भाई जी पहली पानी कावणो लावता ने अबार काई व्यवस्था पानी ठेटू टू लाता आंतरू नजदीक हूं रात्रि 10 बजे आन 12 बजे आन पानी लेना आता एन अबे वो टांको बणिया बता तो पानी पिया मीठो पानी टांको कौन खुदवायो टांको फैक्ट्री वाला अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन वाला ने हां अंबुजा सीमेंट तो अबे की आराम है हां आराम है सा पहले दुखणो दुखो अनु तो दुखो पहले तो पानी लावता ठेर माता पर मोटा मोटा दोगड़ लावता कणी रात्रि 10 बजे निवड़ता कणी 12 बजे होता डंडा धाव टाबर टुबरा नो करण फसे जगो होता अब बरसात रो पानी पहलो रे हां बरसात रो बढ़िया मीठो पानी हां मीठो पानी दूध रे जेड़ो अब हो रहा हो अबे हो रहा बाकी पहले खेत में जाए ने फाचा आवता ने पानी 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 लावणो पड़तो पानी नान करने पीउने खाउने सब पानी खारो खारो पानी ओदन उठू लाओ तो मीठो अब जो को बटन दाबणो री जरूरत है अबे जो मा बटन दाबणो री जरूरत है लाइट रे जने बटन नी रे जने पापी जी काडे जो पानी हां पानी हिसला टांका मु मीठो पानी कुल मिलाने अबे बढ़िया रजियो हां रजियो अबे जो को अमुजा सीमेंट फाउंडेशन आपरे होदो खुदा इन बात है हां होदो खुदा ऐसा आराम कर दियो अबे तो हो रहा मां उकिया ए गांव रे मान और है कि नहीं हां है नहीं है सब जगह ओई चले तो ओ आड़ पाड़े जितने इन्हें अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है जो को राबड़ीवास आड़ पाड़ चौकला रमाने गावर महिला महिला कई ढंगो इन्हें पानी री समस्या देखती आज कई हालात है पहली कई हालात है जो को भाई जी थाने बताए वाकई रमाने जो को SEF है जो को इन्हें पानी रे समस्या रे समाधान बात है आवता हाँ भाई जी कहीं कहो खारा पानी गोड्डा घना दुख था अबे मीठो पानी पिया पार्लर अलबत फरक है अबे गोड्डा नहीं दुखे कम दुखे कम गोड़ा कम दुखे पार्लर पानी से आबो मीठो तो मीठो ही रे भाई मीठो तो मीठो ही जे खारो तो खारो ही जे शक्कर ने कान तो मीठो कौन देखो तो ओ तो मीठो भगवान रो बरसी बरियोड़ ऊपर ए भाई जी पूरा छत्रो ही जे हां छत्रो ही जे ए बीन देख लो सा नहीं मैं पियो मीठो पानी अमृत पानी है बढ़िया पानी है छत्रो ही पानी मा तो 12 महीना पानी भरला जो छत्रो जुगाड़ करी लो साहब आप तो इने होदर माने बरसात रो पानी भेळो रेवी जे करे अमुजा सीमेंट फाउंडेशन है जिना प्रयासों जिना आर्थिक सहयोग ओ बढ़िया गाँव माने होदो हो घर माने होदो जेड़ो जो पहली बतायो के पानी लावण माते घणे गिरे रहती गाँव रो कोई टाको हो जटू लावता सुबह लावता शाम रो लावता लेकिन अब कहीं है कि अमुजा सीमेंट फाउंडेशन राबड़ीवास रे आर्थिक सहयोग ओ होदो निकलो लगभग 11,000 लीटर ओ होदो हो यानी एक बरसात रहनी जने 12 महीना ओ पानी एने हजा बतायो पानी भी मीठो है तो हमारे भी लोगों आग्रह रह लागे जितने भी बरसाती पानी रो संचय करो लानी तो वो पानी यूँ काम आया करे गाँव गाँव पश्चिमी राजस्थान रा विभिन्न अंचल है जेटे पानी की समस्या है बरसात माते वे निर्भर रहते वेड़ा लोगों भी मारो आग्रह है कि आप अपने घरों जो को छतरो पानी है नी जिन्हें ओरारो पानी है नी वो पानी था भेड़ो करने जो को भाई जी जो काम है लियो नी इन टाइप में भी काम में ले सको हो सके जेता एरिया माने अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है जो को SEF है
वो ऐडा जल संग्रहण वाते लोगारी मदद भी करे तो हो सके, तो ऐडी जानकारी भी आपने लेवनी चाहिए। जेतान में भी इन ऑफिस है, राबड़ी आवास में भी इन ऑफिस है, और ऐडो होदो आप भी खुदावनी चाहो तो अपना ग्राम पंचायत जो को भी सरपंच है या जो भी जनप्रतिनिधि है वेणु आप आग्रह करनो, निवेदन करनो, या गाँव रा कोई सामाजिक कार्यकर्ता वेणु निवेदन करनो, और अमुजा सीमेंट फाउंडेशन राबड़ी आवास है उन्हें भी आप निवेदन करने ऐडो होदो आप घरे खुदवा सको, ताकि आज बाईजी मुंडो जो पलको उजलो है नी उनाल दे आप भी मुंडो उजलो रह सके। लेकिन आज है क्या थोड़ी नवदौर थोड़ी थोड़ा घने करनी पड़ी है। अमुजा सीमेंट फाउंडेशन वाला ने तो एक एक सीमित दायरो है कि वह इन्हें राबड़ी आवास है, बल्लाड़ा है, प्रतापगढ़ है, या नया गाँव है, जितने आड़ पाड़ गाँव है नी अटे जगह जगह जाए बना सके। लेकिन सदूर गाँव है नी जो जेतान छोकला जो सदूर गाँव है नी एण गवर माने एडी व्यवस्था रात आपने एण कने जाए आग्रह करना पड़ी, प्रार्थना पत्र देवन पड़ी, जनकटी जाए 11,000-10,000 लीटर टाका घर माने खोदीजे। और हुनियो हूँ के जवार माने भी एड़ा एड़ा नडा खोप चाया ने एड़ा टाका बनवा, तो अब मैं लूँ ही मारो नाम आई भी खान है। आप मने इन टाइम जेता न्यूज यूट्यूब चैनल माते भी देख रहे हो, जेता रा मारा आई भी खान फेसबुक पेज माते भी देख रहे हो। ऐसी अपरो काम मने बहुत ढंगरो काम लगो, बढ़िया काम है, अच्छो काम है, जिन्हें कह सका धरातल माते जो को काम दीख रो छे जिन वो काम बराबर दीख रो है। लाड़ा कई भरो इन्हें राबड़ी आवास एरिया माने, बलाड़ा एरिया माने, रास एरिया माने सतत रूप इन्हें विकास री जो को गंगा ऐसी पारी है, वाकई में तारीफ है, काबिल तारीफ है। धन्यवाद, नमस्कार, जय। मारे सागे मौजूद है राबड़ी आवास ग्राम पंचायत झुंझारू सरपंच युवा सरपंच श्री जितेंद्र सिंह जी भाटी, जिन्हों जेता न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आईबी खान जी का। सरपंच साहब, मैं जाननी चाहूँ अमुजा सीमेंट फाउंडेशन राबड़ी वास केड़ो कोई काम करे आपरी ग्राम पंचायत रमाइन। देखो भाई साहब के पिछले काफी टाइम से, जब से 20 साल से जब हम बच्चे थे उस टाइम से देख रहे हैं, 20 साल से एशियप काम कर रहा है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग ले जैसे अलग अलग तरीके होने चाहिए। जो पिछले 2 साल से कोरोना काल था, सरकार के बजट नहीं आ रहे थे, उसके बावजूद भी हमारे गांव की जो भी जनता है और है और जो हम हैं, तो ऐसा कोई भी काम है जो हमने मांग की है अमुजा फाउंडेशन से, वहां के जो मेन मैनेजर है मनोज अग्रवाल साहब, उन्होंने कभी काम के लिए मना नहीं किया, काम चलते हैं। और मेन हमारा फोकस इस अभी जल संकट को देखते हुए उसके ऊपर मेन फोकस है, साफ सफाई को लेकर मेन फोकस है, शिक्षा के प्रति फोकस है, बच्चों के खेल और रुझान के लिए है, और इस प्रकार काम करते रहते हैं। सरपंच साहब, मैं आज जानने की कोशिश करूं कि गांव रे माने ऐसी एडो कई काम करे ढंगरो जो को दीख तो काम है, जो को आने वाला लोग ना देखे ना याद करेगा वाकई माने वो ढंगरो जनित्रो काम हो। देखो भाई साहब के सबसे बड़ा दिखने वाला जो आम जनता के लिए मेन काम है, जो हमारे राबड़ी आवास से जो मेन रास्ता निकलता था वहाँ पे एक पानी का बहुत बड़ा गड्ढा था, नाला की बहुत बड़ी समस्या थी। पिछले 13 साल से हमारे गुजरों के पास में मेन रोड पे वो जो नाला एकदम क्लियर नहीं हुआ था, उसको एशियप के माध्यम से 12-13 लाख रुपए लगा के उस नाले को बहुत मजबूती से बनाया है, ताकि वो 20 साल तक उस नाले के अंदर मतलब वो एकदम क्लियर हो गया रास्ता, वापस वहाँ पर ब्लॉक भी लग गई है, सब कुछ काम हो गया, वो भी सही है, साफ सफाई और काम एशियप का काम। आप गांव में कोई बाहर से आदमी आएंगे और गांव के जो आदमी है वो भी यदि घूमेंगे तो उनको काम जगह जगह जो काम हो रखे वो नजर आएंगे। हुकुम, आप तो जन्म राबड़ी आवास में रही हो रहा, आज 25 साल पहले राबड़ी आवास केड़ो हो आज केड़ो की अंतर तो लागे थोड़ा घो? रात दिन का अंतर है, उस टाइम रास्ते नहीं थे वो भी बने हैं, सबसे मेन जो सो पानी का तालाब आज 25-30 साल से जो उजड़ पड़ा था तालाब, एक मतलब सिमतली तरीका था, आज उस तालाब को ऐतिहासिक तालाब का रूप दिया है एशियप ने, और उसकी पूरी खुदाई की है, उसकी जो पहाड़ है उसको बहुत मजबूत किया, उसके ऊपर कम से कम 200 से 250 पौधे लगवाए हैं ग्राम पंचायत ने, और उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ तारबंदी एशियप ने करवाई है, और स्कूल के अंदर भी मतलब पौधे के प्रति भी जो कोरोना काल के अंदर जो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या थी, तो हमने जाके साहब को निवेदन किया कि भाई पौधे होने चाहिए जिससे मतलब ऑक्सीजन की गांव में कमी ना हो, तो और पास में प्लांट है उसको प्रदूषण को रोकने के लिए भी, तो कम से कम साहब ने टारगेट ले रखा है 400-500 पौधे हर साल लगाते हैं, और वो भी अच्छा हुआ, खेल मैदान के कार्य भी अच्छे हो रहे हैं,
और जो भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं शिक्षा के प्रति हमने जागरूक किया, तो जितनी भी जो आंगनबाड़ियाँ हैं उसको हमने मॉडल आंगनबाड़ी का रूप दिया है। 13 साल से हमारे गांव का हॉस्पिटल बिल्कुल बंद पड़ा था, अस्त व्यस्त था, मतलब उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। उसके ऊपर 7 लाख रुपये लगा के उस उप स्वास्थ्य केंद्र को इस प्रकार किया है कि यदि हम उसका आंकलन किसी के साथ करें तो शायद जैतारण तहसील के अंदर ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जो राबड़ियावास में। जितो काम SCF करे उतो काम सहित सरकार नहीं कर सके। प्रेजेंट टाइम में यही स्थिति है, सरकार का बजट के 3 गुना काम अभी SCF कर रहा है राबड़ियावास ग्राम पंचायत के अंदर। तो यहाँ राबड़ियावास ग्राम पंचायत रा सरपंच साहब जो को इन SCF रा जो को काम है नी, एक काम आरी घिनावता है, ढंगरो काम बतायो, बढ़िया काम बतायो, सरपंच साहब भी बतायो, मनता इन चीज ठाक होनी, लेकिन सरपंच साहब री आ जबानी ही। धन्यवाद। हमारे साथ इन टाइम मौजूद है राबड़ियावास ने जेतान इलाका रा युवा किसान नेता जो को हीरालाल जी भाटी के विजय अमरा राम जी प्रधान साहब रा बेटा है। इन 8 पाड़ चौकड़ा रमा ने पिताजी रो नाम रोशन करिया है ने बढ़िया समाज सेवा करे। मैं हीरालाल जी जाननी चाहूँ कि जो को अपने अमूजा सीमेंट फाउंडेशन है राबड़ियावास है कड़ो कोई काम करे जनता रे हित रमा ने। सबों पहले तो खान साहब आपने मैं धन्यवाद देने चाहूँ कि आप हर क्षेत्र में सच्चाई उजागर करने वास्ते आप धूप देखो ने छाओ, आप हर जगह पहुँच जाओ। और मैं काफ़ी आप रखना मतलब चैनल माते में देखूँ जो लेबर नरेगा ने लेने हर प्रकार की समस्या लेन आप हर जगह कड़ा मिला अवगत करवाने वास्ते आप सबों आगे रहो। तो आज आप माना क्षेत्र में आया और अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन री जो कार्यशैली है विनी आप विस्तृत जानकारी लेने आया हो, तो विनी बारे में आप मैं आपने यहाँ कहनी चाहूँ कि अंबुजा सीमेंट प्लांट री जो एक संस्था अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन जो आड़ पाड़ गाँव में विकास कार्य काम करे, वो विकास कार्य काम आज उन्हीं जिन टेम कड़ा मतलब अंबुजा सीमेंट अटे लागी है विन टेम कड़ा आस पास में काम चले। और मने कम से कम 10 साल रहेगा मैं काम करने लागू, तो विन टेम मैं भी इन साथ जुड़ियोड़ हूँ। और तालाब गेरीकरण का काम है, आंगनबाड़ी केंद्र का काम है, पेड़ पौधे का काम है, उद्यान विभाग का काम है, किसान रे लगाव रे वास्ते और किसान रे जो को प्रोत्साहन करने वास्ते या वो किसान ने वो आगे बढ़ाने वास्ते हर तरीका रो काम फाउंडेशन जो को जिन योजनाओं जो करावे तो किसान ने वास्ता में करना मतलब बहुत बड़ा सहयोग मिले। आज माना क्षेत्र में आसपास में आज आप देखने आया, मैंने पहली भी आप जानकारी हुई कि आप डिक्की नाडा तालाब सब आप देखिया, तो वास्तव में है कि कहना मतलब आज जगह जगह क्षेत्र में आप घूमन देखो लानी तो हर एक किसान ने करने आप करने डिक्की मिलेला खुदियोड़ी। और भी मैं हर एक डिक्की में आपने हिस्सों मिलेला कि भाई कि अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन इन में भागीदारी है और विन सहयोग कहना मतलब आज किसान वो काम करियो है। किसान ने भी नो फायदो रहे कि बरसात रो पानी एक तो इकट्ठो करे, इकट्ठो करन कहना मतलब डबल फसल ले ले, नहीं तो कहना मतलब एक बरसात पानी माते निर्भर रहे जो एक फसल रहे, फिर बाद में पानी में डिक्की खुद जावे तो फिर वो एक नेक्स्ट फसल और ले ले, तो फिर मैं किसान एक किस फसल में कहीं नुकसान भी लाग जाए तो दूसरी कहना मतलब इन्हें मुनाफो मिले। बाकी मुझसे कहा कि किसानारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी है। बिल्कुल, किसानारी आर्थिक स्थिति कम से कम मुझे सीमेंट फाउंडेशन तो सुधरी है। आज मैं बताऊँ कि सरकारों सुविधा अड़ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लेकिन अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन में आस पास रहा जो को क्षेत्र किसान है और हाँ आस पास रहे क्षेत्र में कहीं कि लंबा अपन जेतान तक भी देखा करा आबार सुनी है कि योजना आ रही है कि जेतान क्षेत्र आस पास 200 तालाबार गेरीकरण अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन कोई बैंक संस्था थ्रू करवानी चाहे आ सुनना माई, तो वो भी अपना आस पास रहे नज़दीक क्षेत्र वास्ते कहना मतलब बहुत बढ़िया है। पशु पक्षियों वास्ते पानी इकट्ठो रही हर चीज़ रो कहना मतलब एक पानी क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम रही, लेकिन विशेष कहना किसान वास्ते आज मैं खुद एक मारे दनेरिया में फार्म हाउस है बनायोड़ो जमीन लेड़ी बट आंवला पौधा लगायोड़ा है कहीं कुड़की क्षेत्र में सब जगह पौधा के बारे में भी पूछो तो फलदार पौधा के बारे में सब्जियां के बारे में आज किसान आर कहना मतलब जो कोई भी पैदावार भी और भी नहीं कहना मतलब पशु नहीं खावे जो कुट्टी तारामीरा कुट्टी वगैरह है, तो आज नज़दीक में कहना मतलब सारो बनियोड़ो कि एक बालाजी कंपनी बनाई तो फाउंडेशन है जो वीर में एक वीर तरु है जो कहना मतलब इन्हें कुट्टी भी लेवे, तो आज किसान आ रहे जो को थ्रेसर कहना मतलब जो खर्चो आवे नहीं फसल निकालना रहो वी खर्चा रो कहना मतलब बटे वापस है जो को भरपाई रह जावे
नित्र वो तो कहीं है कि खेत में जाओ भी ने कहीं है कि तारा मीरा रही जो रायरा रही कुटिया भी ने कहीं अपने गाया डंडा कोई खावे को नहीं कहीं तो भी ने बेचन और कहना मतलब इन्हें फायदा रहे तो एक नयो एक कने करियोड़ है और बीर में अमुजा सीमेंट फाउंडेशन है जो बीर थ्रू करना मतलब हर प्रकार की सुविधा किसान तक पहुंचनी चाहिए तो जगह जगह जाए जान आप उल्टा घर जाए जान बताए ने जो करें बीर में कहना मतलब दूसरी बात है कि फाउंडेशन और आप किसान अलावा भी दूसरों से देखा तो घर घर में शौचालय प्रति है महिला रो कहना मतलब विकास के प्रति कहना मतलब सिलाई रो काम है कुछ भी काम है तो आप मैं सब मिलान कह सकूं कि भाई के एक हर परिवार में फाउंडेशन रो नाम किने किने प्रकार हुए जो को जुड़ियोड़ है चाहे वे किसान ने थ्रू जुड़ियोड़ है चाहे कहना मतलब महिला रो है सशक्तिकरण में कहना मतलब कि भाई के कोई रोजगार देने कारण बिन में जुड़ियोड़ है तो हर प्रकार कहना मतलब किसान रो और गाँव रे में जो को जनहितार्थ कार्य में है सबों पहली मार गाँव में तो आप रावड़ीवास में आड़ पाड़ सब जगह देख सको कि भाई के फाउंडेशन रो काम अबार अपने तालाब घेरीकरण काम है माने जो काम है कुछ सहयोग सरकार हुई है मॉडल रो और मॉडल तालाब रो और फाउंडेशन रो भी मैं एन भूमिका है स्कूल रे मैं माने जो कुछ सेट बनायो रो बड़ो कहीं वो है तो कहना मतलब बच्चों लेन बुढ़ा तक कहना मतलब फाउंडेशन की कहना मतलब योजना है जो को पूगे और आगे तक की कहना मतलब उम्मीद करा कि पहुँचती रही लेकिन आप संतुष्ट तो हो इन ऐसी मैं 100% संतुष्ट हूँ और आगे भी है कि मैं संतुष्ट रहवा और कहना मतलब किसान संतुष्ट रहे और किसान कहना मतलब जेड़ी मांग करे वे वापस कहना मतलब मानी पूर्ति करे फाउंडेशन में मैं अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन परिवार को और उनके जो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के मेन चलाने वाले हैं अग्रवाल साहब मान्य मनोज अग्रवाल साहब को और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं तो वो जनहितार्थ में ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद धन्यवाद।